आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम में अपन किस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे आज अपन? स्केलेटल सिस्टम में आज अपन जो बोन है उसका जो डेवलपमेंट और ग्रोथ है उस पर क्या अपन आज डिस्कस करेंगे। तो नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपन ने जो लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस किया था, जिस टॉपिक के बारे में स्टडी की थी, उसको एक बार फिर से क्या है रिवाइज कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने स्पंजी बोन के बारे में डिस्कस किया था, बोन सेल के बारे में डिस्कस किया था, ऑस्टियोब्लास्ट क्या होता है, ऑस्टियोसाइट्स क्या होते हैं और ऑस्टियोक्लास्ट क्या होता है, इनके बारे में क्या अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो जो अपना बोन की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसको स्टार्ट करने से पहले एक बार अपन इन टॉपिक्स को फिर से रिवाइज कर लेते हैं, इनको समराइज कर लेते हैं। तो जो कैनक्यूलस बोन है, स्पंजी बोन है, उसको क्या है, टू द नेक्ड आई स्पंजी बोन लुक लाइक ए हनीकैम। कैनक्यूलस बोन जो है वो किस की तरह दिखती है, एक हनीकैम की तरह क्या अपने को नेक्ड आई से व्यू होती है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन रिवील्स ए फ्रेमवर्क फॉर द मीनिंग ऑफ लिटिल बीम विच कंसिस्ट ऑफ ए फ्यू लैमेली एंड ऑस्टियोसाइट्स इंटरकनेक्टेड बाई कैनक्यूलाई। ये क्या है, किससे कंसिस्ट होती है, लैमेली से क्या है कंसिस्ट होती है, ठीक है, और इंटरकनेक्टेड किससे रहती है, कैनक्यूलाई से क्या है इंडिया इंटरकनेक्टेड रहती है। द स्पेस बिटवीन द ट्यूबिकल्स कंसिस्ट कंटेन द स्पेस बिटवीन द ट्यूबिकुलाई कंटेन रेड बोन मैरो दैट नैरोस बाई ऑस्टियोसाइट। किसकी वजह से ये नैरोस रहती है, ऑस्टियोसाइट्स की वजह से क्या है ये नैरोस रहती है। नेक्स्ट अपना है बोन सेल। द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन फॉर्मेशन आर ऑस्टियोब्लास्ट दिस लेटर मैच्योर इन ऑस्टियोसाइट्स। द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन फॉर्मेशन आर ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रियोसाइट्स कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल। कॉन्ड्रियोसाइट क्या है, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल है, डेवलप फ्रॉम द सेम पेरेंट फाइबर टिश्यू सेल। दोनों के दोनों क्या है, सेम जो पेरेंट फाइबर टिश्यू है उनसे बनी हुई रहती हैं। डिफ्रेंसिएशन इनटू ऑस्टियोजेनिक सेल रादर देन कॉन्ड्रियोब्लास्ट इज बिलीव टू डिपेंड अपॉन ए एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई। डिफ्रेंसिएशन क्या है इन ऑस्टियो सेलों में, बिलीव द डिपेंड अपॉन द एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई। दिस में बी फैक्टर अफेक्टिंग हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर, लाइक इफ द ऑक्सीजन सप्लाई इज डिसफिशियंट देयर में बी ए प्रीपोंडरेशन ऑफ कॉन्ड्रियोब्लास्ट रिजल्टिंग इन द कार्टिजिनस यूनिट ऑफ द फ्रैक्चर। नेक्स्ट है ऑस्टियो
ब्लास्ट। दीज आर द बोन फॉर्मिंग सेल दैट सीक्रेट कोलेजन एंड अदर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द बोन टिश्यू। दे आर प्रेजेंट इन द डीपर लेयर ऑफ पेरिस्टियम इन द सेंटर्स ऑफ द ओसिफिकेशन ऑफ इमेच्योर बोन एट द एंड ऑफ द डिडाइफाइसिस एडजस्ट टू द एपिफाइसिस कार्टिलेज ऑफ लॉन्ग बोन एट द साइट ऑफ फ्रैक्चर। ऑस्टियोब्लास्ट क्या है? दीज आर द बोन फॉर्मिंग सेल। ये क्या होती है? बोन फॉर्मिंग सेल होती है। एंड अदर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द बोन दे आर प्रेजेंट। अदर क्या है? इन डीपर लेयर ऑफ पेरियोस्टम इन द सेंटर्स ऑफ द ओसिफिकेशन ऑफ इमेच्योर बोन एट द एंड ऑफ द डाइफाइसिस एडजस्ट टू द एपिफाइसिस कार्टिलेज ऑफ लॉन्ग बोन एट द साइट ऑफ ए फ्रैक्चर। नेक्स्ट है ऑस्टियोसाइट्स। एज बोन डेवलप ऑस्टियोब्लास्ट बिकम ट्रैप्ड एंड रिमेन आइसोलेटेड इन लेकनी दे स्टॉप फॉर्मिंग न्यू बोन एट द स्टेज एंड कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स। द ऑस्टियोसाइट्स आर नैरोस्ड बाय टिश्यू फ्लूइड इन द कैनकुलाई दैट रेडिएट फ्रॉम द हाइवर्सन कैनाल। देयर फंक्शन आर नॉट क्लियर बट दे मे बी एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ कैल्शियम बिटवीन द बोन एंड द ब्लड। ऑस्टियोसाइट्स क्या है? एज द बोन डेवलप ऑस्टियोब्लास्ट बिकम ट्रैप्ड एंड रिमेन आइसोलेटेड इन लेकनी दे स्टॉप फॉर्मिंग न्यू बोन एट द स्टेज एंड आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स आर द नैरोस्ट बाय टिश्यू फ्लूइड इन द कैनकुलाई दैट रेडिएट फ्रॉम द हाइवर्सन कैनाल। देयर फंक्शन आर नॉट क्लियर बट दे मे बी एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ कैल्शियम बिटवीन द बोन एंड द ब्लड। नेक्स्ट है ऑस्टियोक्लास्ट। देयर फंक्शन इज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बोन टू मेंटेन द ऑप्टिमम शेप। दिस टेक प्लेस एट बोन सरफेस अंडर द पेरिस्टम टू मेंटेन द शेप ऑफ द बोन ड्यूरिंग ग्रोथ एंड रिमूव एक्सिस कैलकुले फ्रॉम द ड्यूरिंग हीलिंग एंड फ्रैक्चर। क्या होता है? अगर एक्सेसिव हो जाता है तो क्या है ये? रिमूव करता है, और अगर कमी रहती है तो क्या है? उसको शेप प्रोवाइड कराता है। राउंड द वॉल ऑफ द मेडुलर कैनाल ड्यूरिंग ग्रोथ एंड द कैनकुलाई ड्यूरिंग कैन
Cantla is calculus during healing. A fine balance of osteoblast and osteoclast activity maintain normal bone structure and function. Osteoclast क्या करता है, अगर bone के अंदर axis है तो उसको क्या है, remove करता है, और अगर कम है तो क्या है, उसको maintain करता है. नेक्स्ट आज क्या है अपना, डेवलपमेंट ऑफ बोन टिश्यू, ऑस्टियोजेनेसिस और ऑसिफिकेशन, ये क्या है आज का अपना टॉपिक है. दिस बीइंग बिफोर बर्थ एंड इट्स नॉट कंप्लीट अंटिल अबाउट द 20 ईयर ऑफ लाइफ, ये क्या है, अपने जन्म के बाद से स्टार्ट होता है और कब तक चलता है, 20 ईयर ऑफ ईयर तक क्या है ये कंप्लीट होता है. Long, short and irregular bone develop from the rod of cartilage model. Flat bone develop from the membrane model and sesamoid bone from the tendon model. Bone develop consist of two process. तो क्या है, bone tissue जो है, development जो होता है bone tissue का, वो कब होता है, अपने जन्म के बाद, sorry, बिफोर बर्थ, जन्म से पहले, एंड दैट इज नॉट कंप्लीट अंटिल अबाउट द 20 ईयर ऑफ लाइफ. लॉन्ग बोन, शॉर्ट एंड इरेगुलर जो है बोन है, वो डेवलप कौन से कार्टिलेज से होती है, रोड कार्टिलेज मॉडल जो है उससे होती है. जो फ्लेट बोन है वो कौन से होती है, टेंडन मॉडल से होती है, ठीक है. और जो अपनी फ्लेट बोन डेवलप होती है किससे होती है, मेम्ब्रेन मॉडल से. सिस्मोइड बोन होती है वो किससे, टेंडन मॉडल से क्या है वो डेवलप होती है. This being before birth and is not complete until about the 20 year of age. जन्म से पहले से लेके जब अपना जब एम्ब्रियो बनता है वहाँ से लेके और जब तक अपन अपने जो लाइफ के 20 ईयर जो कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक क्या है अपनी जो ग्रोथ है वो कंप्लीट नहीं होती है. लॉन्ग शॉर्ट एंड इरेगुलर बोन डेवलप फ्रॉम द रोड ऑफ कार्टिलेज मॉडल. जो लॉन्ग बोन है, शॉर्ट बोन है और इरेगुलर बोन है वो कौन से किस कैसे होती हैं, जो रोड कार्टिलेज है उससे क्या है डेवलप होती हैं, और इनका मॉडल कौन सा होता है, कार्टिलेज मॉडल होता है. सेकंड आता है अपना फ्लैट बोन डेवलपमेंट. फ्लैट बोन डेवलपमेंट कैसे होता है, मेम्ब्रेन मॉडल से. नेक्स्ट अपना आता है सिस्मोइड बोन. सिस्मोइड बोन किससे होती है, टेंडन मॉडल से. बोन डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेस. जो बोन का जो डेवलपमेंट है वो कितनी प्रोसेस में होता है, दो प्रोसेस में कंप्लीट होता है. द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग बोन, ये क्या है, स्टेज है किसकी, लॉन्ग बोन के जो डेवलपमेंट की है वो क्या है, स्टेज है.
स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग बोन। ये क्या है? फेटल डेवलपमेंट है। इसके अंदर क्या है? रोड कार्टिलेज है, प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन है, बोनी कॉलर दिखाई गई है, ठीक है। और ये क्या है? डाइफाइसिस है। ये किस में होता है? फेटल में होता है। ये क्या है? चाइल्डहुड और एडोलिसेंस के अंदर होता है। तो ये किस टाइम का है? बर्थ। और ये किस कौन सी एज है आपकी? चाइल्डहुड एंड एडोलिसेंस की एज है। और ये क्या है आपकी? एडल्ट की। तो जब बर्थ के जो टाइम पे है उस टाइम पे क्या है? दो दिखाए गए हैं, कौन से? सेकेंडरी सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन एंड एपिफाइसिस। और चाइल्डहुड और एडल्ट के अंदर क्या है? ये हाइलैंड कार्टिलेज है, ये डेवलप हो गए, ठीक है। ये जो कैंकुलस बोन है ये इसके अंदर कम होती है, जिस जैसे ग्रोथ होती है वैसे जैसे बढ़ती जाती है। ये क्या है आपकी? कॉम्पैक्ट बोन। यहाँ पे इमेच्योर है, ये मेच्योर हो गई। ये मेडुलरी कैनाल है, ठीक है। ये पेरिस्टम दिखाया गया है इसमें। ये क्या है? एपिफिजियल कार्टिलेज दिखाया गया है। तो ये क्या है आपकी? ग्रोथ और डेवलपमेंट है किसका? लॉन्ग बोन का। ऊपर वाला किसका है? फिटस का। फिटस के बाद की जो ग्रोथ है वो आपकी ये दिखाई गई है, और वहां पे क्या है आपकी? फिटस की ग्रोथ दिखाई गई है। नेक्स्ट क्या है? सेरोटोनिन बाय द ऑस्टियोब्लास्ट ऑफ ऑस्टियॉइड कोलेजन फाइबर्स इज ए म्यूकोपोलोसेक्राइड मैट्रिक्स विच ग्रेजुअली रिप्लेस दिस द ओरिजिनल कार्टिलेज एंड मेम्ब्रेन मॉडल। कैल्सिफिकेशन ऑफ ऑस्टियॉइड इमीडिएटली आफ्टर दिस डिपोजिशन। कैल्सिफिकेशन कब होता है? कैल्सिफिकेशन ऑफ ऑस्टियॉइड इमीडिएटली आफ्टर दिस डिपोजिशन। डिपोजिट होने के बाद क्या है ये? इमीडिएटली होता है। देर आर टू टाइप ऑफ एवरेजमेंट ऑफ कोलेजन इन ऑस्टियॉइड। दो टाइप से क्या है यहाँ पे होता है? फर्स्ट क्या है? नॉन लंबर बोन, और सेकेंड क्या है? लंबर बोन। वोवन कौन सी है? नॉन लंबर बोन होती है, ठीक है। और सेकेंड क्या है आपकी? लंबर बोन होती है। तो जो कोलेजन का ऑस्टियॉइड जो है वो अरेंजमेंट उसका कितने टाइप से होता है? दो टाइप से होता है। कौन सा है? एक नॉन लेमर, और फर्स्ट क्या है आपका? लेमर।
फर्स्ट क्या आपका नॉन लेमर बोन। नॉन लेमर बोन में क्या है, कोलेजन फाइबर आर डिपोजिट इन इरेगुलर बंडल देन ओसिफाइड। दिस प्रिमेटिव बोन स्ट्रक्चर इज पार्ट ऑफ नॉर्मल फिटल डेवलपमेंट अकर ड्यूरिंग ओसिफिकेशन ऑफ बोन दैट ओरिजिनेट एज मेम्ब्रेन मॉडल एग्जाम्पल स्कल बोन। इन एडल्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन बोन ट्यूमर एंड हीलिंग फ्रैक्चर। तो नॉन लेमर बोन क्या है, कोलेजन फाइबर आर डिपोजिटेड इन इरेगुलर बंडल, ये क्या है इरेगुलर बंडल के अंदर क्या डिपोजिट हो जाते हैं, देन ऑसिफाइड। दिस प्रिमेटिव बोन स्ट्रक्चर इज पार्ट ऑफ नॉर्मल फिटल डेवलपमेंट अकर ड्यूरिंग ओसिफिकेशन ऑफ बोन दैट ओरिजिनेट एज मेम्ब्रेन मॉडल एग्जाम्पल स्कल बोन। इन एडल्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन बोन ट्यूमर एंड हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर। नेक्स्ट क्या है लेमर बोन। लेमर बोन में क्या है, द कोलेजन फाइबर आर डिपोजिट एज इन वन बोन ओरिजिनेट इन इंटो कैरेक्टरिस्टिक लेमर फाउंड इन कॉम्पैक्ट एंड कैलकुलस बोन देन ओसिफाइड। दिस अकर व्हेन कार्टिलेज मॉडल आर रिप्लेस्ड बाय बोन इन हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर। ये कब होता है, दिस अकर व्हेन जब कार्टिलेज मॉडल जो है वो क्या है रिप्लेस हो जाता है किसके दौरान बोन में, कब और हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर, और बोन जो फ्रैक्चर है उसकी क्या है हीलिंग हो जाती है। नेक्स्ट क्या है डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन का डेवलपमेंट, इन लॉन्ग बोन द फोकल पॉइंट फ्रॉम विच ऑसिफिकेशन बीइंग आर स्मॉल एरियाज ऑफ ऑस्टियोजेनिक सेल और सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन इन द कार्टिलेज मॉडल। दिस इज अकम्पेंड बाय डेवलपमेंट ऑफ ए बोन कॉलर एट अबाउट 8 वीक ऑफ गेसेशनल एज की जो आपकी 8 वीक है तब क्या है डेवलपमेंट होता है। लेटर द ब्लड सप्लाई डेवलप एंड बोन टिश्यू रिप्लेस ए कार्टिलेज एज ऑस्टियोब्लास्ट सीक्रेट ऑस्टोइड कंपोनेंट इन द शाफ्ट। द बोन लेंथ एज ऑसिफिकेशन कंटिन्यूस एंड स्प्रेड्स टू द एपिफाइसिस।
नेक्स्ट है अराउंड बर्थ सेकेंडरी सेंटर ऑफ द ओसिफिकेशन डेवलप इन द एपिफाइसिस एंड द मेडुलरी कैनाल फॉर्म व्हेन ऑस्टियोक्लास्ट ब्रेक डाउन द सेंट्रल बोन टिश्यू इन द मिडिल ऑफ द शाफ्ट. आफ्टर बर्थ द बोन ग्रोथ इन लेंथ बाय ओसिफिकेशन ऑफ डायफिजल सरफेस ऑफ द एपिफिजल कार्टिलेज एंड ग्रोथ इज कंप्लीट व्हेन द कार्टिलेज बिकम कंप्लीटली ऑसिफाइड. नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो क्या होगा, हार्मोन रेगुलेशन ऑफ द बोन ग्रोथ. कौन से हार्मोन की रेगुलेशन होती है, किस दौरान आपकी जो बोन ग्रोथ है उसके अंदर कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके बारे में क्या है अपन जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे. थैंक्स टू ऑल.